नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं, जो तस्वीर आपके सामने जो चल रहा है, जो तस्वीर आपके सामने है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बल्कि इस तस्वीर को हम लोग बिच्छू बम बोलते हैं। तो देवघर में बिच्छू बम को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, हाथों के बल 119 दिनों में पहुंच गए वो बाबा धाम। तो हाथ के बल बाबा धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के एक बिच्छू बम। तो बिच्छू बम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुल्तानगंज से जल भरकर हाथ के बल चलकर बिच्छू बम बने अशोक गिरी 119 दिनों में बाबा धाम पहुंचे। इसके पहले अशोक गिरी कांवर और डाक कांवर के तौर पर भी बाबा धाम आ चुके हैं। तो बाबा बैद्यनाथ के प्रति भक्तों की आस्था नित नए नए रूपों को देखने को मिलती है। ऐसा ही एक नज़ारा बिच्छू बम को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत नाथ नगर रसड़ा निवासी अशोक गिरी उर्फ मन्नू सोनी बिच्छू बम के तौर पर बाबा धाम पहुंचे हैं, जो 46 वर्ष के हैं। अशोक ने अपने जीवन में 31 साल बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लगा दिए। अशोक 11 जुलाई को रक्षाबंधन के दिन सुल्तानगंज में जल भरकर हाथ के बल चलकर बाबा धाम की यात्रा पर निकले और 119 दिनों में वह खिजुरिया पहुंचे। अगर न्यूज आपको अच्छा लगा हो और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इससे बेहतर बेहतर न्यूज़ आपको दे सकूं।